स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि यादव, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों का। ये रुक करते हैं उन खबरों की जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने घर में स्थित पूजा घर में देवी देवताओं के दर्शन किए और पूजा में हिस्सा भी लिया। साथ ही उन्होंने अपनी माता जसमनी देवी का आशीर्वाद भी लिया। ये पूजा उन्होंने आज शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने से पहले अपने रायपुर स्थित निवास में की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के अवंती विहार एटीएम चौक स्थित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। राजपुर वन परिक्षेत्र के नरसिंहपुर में करंट की चपेट में आने से एक नर हाथी की मौत हो गई। आपको बता दें कि भोजन की तलाश में हाथी का दल निकला हुआ था, जहां ग्रामीणों ने गन्ने की रखवाली के लिए करंट बिछाया था, जिसकी चपेट में आने से नर हाथी की मौत हो गई। वहीं वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। शक्ति जिला से संवाददाता धनाऊ राम आदित्य की खबर। शक्ति जिले के चंदपुर विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले अनिल कुमार चंद्रा पर जिला बदर की कार्रवाई हुई। इस आदेश के निरस्त होने के उपरांत आज पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल कुमार चंद्रा का नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सितंबर महीने में चुनाव के पहले जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, जिसे लेकर नगर वासियों में भारी आक्रोश भी देखा गया था। कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर अनिल कुमार चंद्रा पर जिला बदर की कार्रवाई करते हुए 6 जिलों से बाहर कर दिया गया। इसे लेकर पंचायत डभरा के नगर वासियों द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देकर तत्काल वापस लेने की मांग की गई। वहीं अनिल कुमार चंद्रा ने कलेक्टर द्वारा की गई जिला बदर कार्रवाई आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव गृह विभाग के पास अपील की। इस अपील को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव गृह विभाग द्वारा जिला कलेक्टर शक्ति के 26 सितंबर 2023 के जिला बदर की कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव गृह विभाग से आदेश जारी होने के बाद अपने गृह नगर डभरा पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में समर्थकों नगरवासियों महिलाओं द्वारा अटल चौक से करमा तक गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। राजनीतिक विद्वेष मेरे को जिला बदर कराया गया था, क्योंकि गांव का जो भी समस्या होता था कि आम जनों को समस्या होता था, उस समस्या को मैं उठाकर नगर का विकास और लोगों का सहयोग करता था। इस कारण शासन में बैठे हुए लोग ये नहीं पचा पाए कि यह बिना पद में रहे पब्लिकों का काम कराता है। उसको देखकर राजनीतिक विद्वेष मेरे को जिला बदर कराया गया था, जिसके कारण मुख्य सचिव महोदय ने दिनांक 8 तारीख को मेरा फाइल देखकर यह कहा कि यह जिला बदर करने योग्य नहीं है, इनको तत्काल निरस्त कर अपने घर भेजा जाए। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का धन्यवाद करूंगा, विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करूंगा। महासमुंद जिले के किशनपुर योगमाया हत्याकांड मामले में अंतिम फैसला आ जाया, जिसने किशनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पति एवं 2 बेटों की हत्या की गई थी। इस मामले में आज जिला जज ने अंतिम फैसला सुना दिया। आपको बता दें कि 31 मई 2018 की काली रात, जिस रात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर में पदस्थ योग माया साहू एवं उनके पति चैतन्य साहू और 2 मासूम बेटे तन्मय और कुराल को 5 लोगों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। चैतन्य साहू के पिता बाबूलाल साहू ने लगातार 4.5 साल से अपने बेटे बहु और 2 पोतों के कातिलों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लीलाधर सारथी ने अंतिम फैसला सुनाया और धर्मेंद्र बरिहा, सुरेश खुंटे, गौरी शंकर कैवर्त, फूल सिंह यादव अखंड प्रधान, इन 5 आरोपियों को 4-4 बार सजा काटने की सजा सुनाई गई है। सरायपाली के धान खरीदी केंद्र जगलबेड़ा में किसान के पट्टे पर अवैध तरीके से धान बेचे जाने की शिकायत को सही पाते हुए स्थानीय प्रशासन की टीम ने लगभग 70 पैकेट धान को जब्त कर लिया और अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रकरण बनाकर कलेक्टर खाद्य शाखा को प्रेषित किया। आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन को सूचना मिली थी कि धान खरीदी केंद्र जगलबेड़ा में भालू कोना के किसान प्रहलाद प्रधान के पट्टे पर राजाडी निवासी गजेंद्र निराला 70 पैकेट धान बेचने लाया। सूचना पर राजस्व, खाद और सरायपाली मंडी की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर शिकायत की जांच की और शिकायत को सही पाते हुए 70 पैकेट धान को जब्त कर धान खरीदी केंद्र प्रभारी के अभिरक्षा में रखवाया और पूरे मामले का प्रकरण बनाकर कलेक्टर खाद्य शाखा को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा।
आपको बता दें कि इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो रही है और सराय पाली के अधिकांश धान खरीदी केंद्र सीमावर्ती राज्य और अंतर जिला से लगे होने के कारण बिचौलिए और धान के तस्कर तस्करी कर भोले भाले किसानों के पट्टे पर धान बेचने का प्रयास कर रहे, जिसकी रोकथाम हेतु प्रशासन ने अंतर राज्य सीमाओं पर जाँच चौकियाँ लगाई है। तो वही समय समय पर अधिकारी श्रम वाहनों की जाँच और खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे, जिससे धान की अवैध तस्करी और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और अवैध गतिविधियों पर लगाम लग सके। सुबह हम लोग को सूचना मिली थी कि किसी अन्य के पट्टे पे किसी व्यक्ति द्वारा, एक किसान के द्वारा धान बेचने की कोशिश की जा रही है। ये जो मामला है ये जंगलबेड़ा सोसाइटी का है। जो किसान था, जो बेचने वाला था, वो राजा डी का था और जिसके पट्टे पे बेचा जा रहा था, जो कुछ प्रहलाद करके नाम है इनका, प्रहलाद प्रधान, ये भालू कोना के हैं और जो बेचने वाला था ये है गजेंद्र निराला, ये राजा डे का। लगभग 70 पैकेट धान था जो दूसरे के पट्टे बेचने की कोशिश हो रही थी। फिर हम लोगों ने जाके वहाँ पे जांच की तो पता चला कि अन्य के पट्टे बेचा जा रहा है। तो मंडी की जो अधिकारी हैं उनको बुला के उसमें जब्ती कार्रवाई की गई है और उसके आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ भेजा जाएगा। मामला यह है कि राजस्व की टीम मौके में पहुंची हुई थी, हमें सूचना मिला कि आइए यहाँ कार्रवाई करना है जगलवाड़ा सोसाइटी में। तो वहाँ पाया गया कि ये गजेंद्र निराला, ये प्रहलाद प्रधान, प्रीता नृपो प्रधान, भालू कोना के पट्टे पर जो राजा डी का निवासी है गजेंद्र निराला, इसके द्वारा 70 पैकेट धान अवैध रूप से उनके पट्टे में खपाया जा रहा था, ये सूचना मिली। प्रहलाद प्रधान के नाम में गजेंद्र निराला राजा डी का 70 पैकेट धान भेज रहा था, उसको राजस्व और मंडी सचिव लोग मतलब कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब पकड़ दिए हैं और उनका मेरे को उनका सुपुर्द किया गया है। तो क्या ये दूसरे के पट्टे पर धान बेचने के लाया था? हाँ, दूसरे के पट्टे में धान बेचने के लाया था। तो क्या आपका पंजीयन था? हाँ, मतलब वो किसान लोगों का पंजीयन था। छत्तीसगढ़ की खास खबर में बस इतना ही। देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।